दुनियादारी इज ब्रॉट टू यू बाय इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले। पुराने समय की बात है, ठीक ठीक कहें तो सन 64 ईस्वी। रोम आज इटली की राजधानी है, उस वक्त ये अलग साम्राज्य हुआ करता था। सन 64 के जुलाई महीने में शहर में भयानक आग लगी। 6 दिनों तक इसने तांडव मचाए रखा। संपत्तियां जलती रहीं, लोग बेघर होते रहे, राजमहल से लपटें साफ दिख रही थी, लेकिन सत्ताधीशों का कोई अता पता नहीं था। राजा मीलो दूर दूसरे महल में आराम फरमा रहा था। उसका नाम था नीरो। 17 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा। कुछ समय तक वो जानकारों से सलाह मशवरा कर राजकाज चलाता रहा, लेकिन बाद में आत्ममुग्ध हो गया। जो उसे मतलब की सलाह देता उसकी हत्या करवा देता या काल कोठरी में बंद कर देता। जब आधा शहर खाक हो गया तब नीरो वापस लौटा। उसने इस घटना का इल्ज़ाम ईसाइयों पर धर दिया। ईसाई धर्म तब नया नया पनप रहा था। नीरो को उनसे नफरत थी। आगजनी की आड़ में उसने उनका सफाया शुरू कर दिया। नीरो ने खाक हुई जगह पर नया महल बनवाया। कहते हैं कि आग उसी के कहने पर लगाई गई थी। नीरो अपने महल को और सुंदर और विशाल बनाना चाहता था, इसके लिए उसे जगह चाहिए थी। इसके अलावा नीरो ने क्या किया? इतिहासकारों ने लिखा कि नीरो को लपटों को देखकर गीत गुनगुनाते हुए देखा गया। उसके पास सितार जैसा कोई वाद्य यंत्र भी था। और फिर वहां से एक लोकोक्ति चली, जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। आधुनिक दुनिया में भी ऐसे नीरो रूपी राजाओं की, प्रशासकों की, राष्ट्राध्यक्षों की कोई कमी नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप ललन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के असर पर हमारी नजर बनी है। कोरोना महामारी की उम्र 1 साल से ज्यादा हो चुकी है। करोड़ों संक्रमण, लाखों मौतें, डगमगाती अर्थव्यवस्थाएं, हमने ये सब देखा और अभी भी देख रहे हैं। इन तबाहियों का जिम्मेदार कौन है? किसकी नाकामी से लोग बेमौत मर रहे हैं? सुगम और सही इलाज हर नागरिक का अधिकार है, हम जानते हैं, और इसे उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी, ये भी हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर कोई सरकार इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश करे तो उसके साथ क्या सुलूक हो? उसे क्यों ना कुर्सी से बेदखल कर दिया जाए? कई देशों ने ऐसे जवाब मांगने शुरू कर दिए हैं। आज की दुनियादारी में हमारा फोकस इन्हीं खबरों पर होगा। क्या है ये खबरें? पहला, ब्राजील की संसद के ऊपरी सदन यानी सेनेट ने राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ जांच की शुरुआत कर दी। इस देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4 लाख को पार करने वाली है। बोल्सोनारो की किन गलतियों के चलते कोरोना बेकाबू हुआ, राष्ट्रपति पर और क्या आरोप हैं, और इससे उनके पॉलिटिकल करियर पर क्या असर पड़ेगा, ये जानेंगे। दूसरा बिंदु होगा स्वीडन में प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन। वो सवालों के घेरे में है। 27 अप्रैल को संसदीय कमेटी ने कोरोना के कुप्रबंधन पर उनसे घंटों पूछताछ की। प्रधानमंत्री लोफवेन किन मुद्दों पर घेरे जा रहे हैं, पूछताछ में आगे क्या होगा, इस पर बात करेंगे। तीसरा, हम दुनिया भर के उन नेताओं की लिस्ट बताएंगे जो महामारी से निपटने में लापरवाह रहे और अंततः उन्हें कुर्सी खाली करनी पड़ी। एक एक बिंदु पर विस्तार से चलते हैं। सबसे पहले ब्राजील के जायर बोल्सोनारो की बात। बोल्सोनारो 1988 के बरस में राजनीति में आए, सेना की नौकरी छोड़कर। 1 जनवरी 2019 को देश के राष्ट्रपति बने। उनकी छवि उग्र, रूढ़िवादी और अड़ियल नेता की है, और इसी के दम पर उन्होंने चुनाव भी जीता। महंगाई, बेरोजगारी और क्राइम पर लंबे चौड़े वादे कर सत्ता में पहुंचे बोल्सोनारो कुर्सी पर बैठते ही जैसे सब भूल गए। याद रहा तो इमेज मैनेजमेंट और क्रूर तानाशाही की वकालत करना। बोल्सोनारो लगातार बेतुकी बयानबाजी करते रहे। अमेज़न के जंगलों में लगी भयानक आग की खबरों को उन्होंने झूठा बताया। जब इससे बात नहीं बनी तो गैर सरकारी संगठनों पर आरोप लगाए। इस बीच महंगाई की दर बढ़ी, क्राइम का ग्राफ ऊपर गया, बेरोजगारी विकराल हुई। उनके कार्यकाल के दूसरे बरस में भी पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में आ गई और ब्राजील भी इससे अछूता नहीं रहा। जब दुनिया भर के देश अपने तमाम संसाधन कोरोना से जंग में खर्च कर रहे थे, बोल्सोनारो इसे झूठ बताकर घूमते फिर रहे थे। बार बार कहा कि इसका हवा बनाया जा रहा है। बिना मास्क के रैलियां करते रहे, भीड़ में शामिल होते रहे, क्वारंटीन के नियमों का मजाक उड़ाते रहे। यहां तक कि अदालत को मास्क नहीं पहनने के लिए उनके ऊपर जुर्माना भी लगाना पड़ा। जुलाई 2020 में बोल्सोनारो खुद कोरोना संक्रमित हुए, इसके बावजूद उन्होंने महामारी की भयावहता को नकारना जारी रखा। ब्राजील कोरोना की पहली लहर से संभला भी नहीं था कि नया बरस आया और 2021 के पहले महीने में नए वेरिएंट का पता चला। इसमें P1 वेरिएंट सबसे खतरनाक था और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ ब्राजील का मेनाउस शहर।
यहाँ बीमारों की संख्या लगातार बढ़ी, अस्पताल भरने लगे, ऑक्सीजन की कमी होने लगी और धीमे धीमे पूरा ब्राज़ील इसकी चपेट में आ गया। रोजाना 4,000 से ज़्यादा लोग कोविड से मरने लगे। इस हालात में राष्ट्रपति क्या कर रहे थे? वो कोविड वायरस के अस्तित्व को नकार रहे थे। उनके समर्थक सोशल मीडिया पर फर्जी सूचनाएं फैला रहे थे। हेल्थ एक्सपर्ट्स आंशिक लॉकडाउन के पक्ष में थे, लेकिन राष्ट्रपति उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। यहां तक कहा कि लोग कोरोना से नहीं, मोटापे और अवसाद की वजह से मर रहे हैं। फिर जिन राज्यों ने अपने यहां पाबंदियां लगाई, बोल्सोनारो ने वहां के लोगों को उन राज्य सरकारों के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाया भी और वैक्सीन की खरीद में भी वो टालमटोल करते रहे। साओ पाउलो के गवर्नर जोआ डोरिया ने यहां तक कह दिया कि ब्राजील एक साथ दो वायरस से लड़ रहा है, एक कोरोना वायरस और दूसरा बोल्सोनारो वायरस। जायर बोल्सोनारो पिछले एक साल में 4 बार हेल्थ मिनिस्टर बदल चुके हैं। उनके मंत्री कठपुतली की तरह काम करते हैं विभाग मंत्रियों के पास, लेकिन सारे आदेश राष्ट्रपति की तरफ से जारी होते हैं। एक्सपर्ट्स की राय का इन आदेशों में कोई मतलब नहीं और इसका नतीजा ये हुआ कि ब्राजील में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4 लाख के करीब पहुंच गई, अमरीका के बाद दूसरे नंबर पर, और कुल संक्रमण के मामले में ब्राजील दुनिया में तीसरे नंबर पर है। लंबे समय से बोल्सोनारो के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं, कार्रवाई की मांग भी चल रही थी। अब सेनेट ने जांच की शुरुआत की। द पार्लियामेंट्री कमीशन को इस जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमीशन को सरकारी फाइलें खंगालने और अधिकारियों से पूछताछ का अधिकार है। किन मुद्दों पर यह कमीशन जांच करेगा? पहला, कोरोना महामारी को रोकने में सरकारी अफसर विफल क्यों रहे? दूसरा, क्या राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने स्वास्थ्य सुरक्षा के नियमों की धज्जियां उड़ाई? तीसरा, मेनाउस शहर में ऑक्सीजन और अन्य जरूरी सामानों की कमी कैसे हुई? इस कमेटी की जांच रिपोर्ट अगले कुछ महीनों में जारी होगी। कमीशन अपनी रिपोर्ट पुलिस या दूसरे सक्षम अधिकारियों को सौंप सकता है ताकि जिम्मेदार लोगों पर आगे की कार्रवाई हो। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बोल्सोनारो के गुनाह चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, इसके लिए अलग से जांच की जरूरत नहीं। ब्राजील में अगले साल राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, उनकी लोकप्रियता में लगातार गिरावट आ रही है। अगर ये रिपोर्ट उनके पक्ष में नहीं आई तो उनका दोबारा इस पद पर पहुंचना मुश्किल होगा। ब्राजील के बारे में आपने जान लिया, अब स्वीडन की तरफ चलते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन कटघरे में है। 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री स्वीडन की कमेटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन के सामने पेश हुए। ये स्वीडन के संसद की सबसे ताकतवर कमेटी है, सरकार और मंत्रियों के कामकाज की निगरानी रखना इसका काम है। इस कमेटी ने प्रधानमंत्री से कई घंटों तक सवाल जवाब किया। कोरोना से निपटने के लिए सरकार की प्लानिंग क्या थी, टेस्टिंग, कोरोना काल में ओल्ड एज होम्स का प्रबंधन और लॉकडाउन नहीं लगाने के फैसले पर भी सरकार को घेरा गया। सरकार पर आरोप है कि उसने जानबूझकर कोरोना संक्रमण फैलने दिया। स्वीडन ने अपने यहाँ लॉकडाउन नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सुरक्षा उपायों को लोगों की स्वेच्छा पर छोड़ दिया। कहा जा रहा है कि सरकार हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए लॉकडाउन नहीं लगा रही थी, हालांकि प्रधानमंत्री ने इससे इनकार किया है। लॉकडाउन नहीं लगाने और हेल्थ मेजर्स को स्वेच्छा पर छोड़ने का नतीजा ये हुआ कि संक्रमण और मौतें बढ़ती गईं। स्वीडन में अब तक 10 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 14,000 के पार पहुंच गई है। प्रति 10 लाख लोगों पर संक्रमण यूरोप में सबसे ज़्यादा स्वीडन में ही है, और इन्हीं आंकड़ों के चलते आक्रोश भी पनप रहा है। इस संबंध में पूछताछ के लिए कमेटी ने प्रधानमंत्री से पहले मंत्रियों और टॉप अधिकारियों को भी बुलाया था। जानकारों का कहना है कि इस पूछताछ से शायद सरकार पर ज़्यादा फर्क न पड़े, हालांकि ये ज़रूर है कि सरकार की जवाबदेही तय हो। उन्हें कोरोना से निपटने के लिए एक तय रोड मैप लाना होगा, क्योंकि स्वीडन में कोरोना की दूसरी लहर का असर रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। शीर्ष नेतृत्व पर बिठाई गई जांच और उनसे हुई कड़ी पूछताछ, आपने अभी इसके बारे में सुना। इसमें अब एक लिस्ट जोड़ देते हैं उन नेताओं की जो कोरोना काल में लापरवाही के चलते कुर्सी से बेदखल हुए। इसमें पहला नाम है रोमानिया से। महामारी की शुरुआत में हालात बिगड़ने लगे, मामले लगातार बढ़े, कोरोना के अस्पतालों पर दबाव बढ़ा, देश में टेस्टिंग और पीपीई किट्स की कमी थी, कोरोना के इलाज के लिए ज़रूरी दवाएं और उपकरण भी कम पड़ रहे थे, मेडिकल सप्लाई बढ़ाने की ज़रूरत थी, लेकिन कैबिनेट में इसको लेकर विवाद हुआ। 6 अप्रैल 2020 को हेल्थ मिनिस्टर विक्टर कोस्तोचे ने इसके बाद अपना पद छोड़ा और फैसले का कारण कोरोना संकट के कुप्रबंधन को बताया। सूची में दूसरा नाम साउथ अफ्रीका से है। अप्रैल 2020 देश में 21 दिनों का नेशनल लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के बीच संचार और डिजिटल तकनीकी मामलों की मंत्री का एक फोटो वायरल हुआ। स्टेला डाबेनी अब्राहम्स एक पुराने दोस्त के साथ बाहर खाना खा रही थी। फोटो वायरल हुआ तो हंगामा मचा और फिर राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने अब्राहम्स को तलब किया और माफी मांगने के लिए कहा। इसके अलावा मंत्री महोदया को 2 महीने की स्पेशल लीव पर भी भेजा गया और 1 महीने की तनख्वाह भी काटी गई। सूची में अगला नाम न्यूजीलैंड के डेविड क्लार्क का। जुलाई 2020 की बात है, उस समय तक न्यूजीलैंड में कोरोना संक्रमण पर काबू पा लिया गया था, लेकिन लॉकडाउन के नियम नहीं हटाए गए थे। डेविड क्लार्क देश के हेल्थ मिनिस्टर थे।
प्रतिबंध के नियम में उनके मंत्रालय का हाथ था, लेकिन वो खुद इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। लॉकडाउन के बीच में डेविड माउंटेन बाइकिंग के लिए निकले, एक बार अपनी फैमिली को लेकर बीच पर भी गए। जब सरकार की इस कदम के चलते जबरदस्त आलोचना हुई तो 2 जुलाई 2020 को डेविड क्लार्क को पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये पिछले बरस की बातें थी, अब नए बरस में आते हैं। 2021 में पहला बड़ा इस्तीफा इटली में हुआ। 26 जनवरी को इटली के प्रधानमंत्री जेसेपी कोंटे ने पद छोड़ने का ऐलान किया। कोरोना महामारी से उपजे हालात से निपटने के लिए कोंटे ने अपना प्लान पेश किया। फंड के आवंटन पर उनकी सहयोगी पार्टियां सहमत नहीं हुई और एक ने सरकार से सपोर्ट वापस खींच लिया। कोरोना के प्रबंधन में चूक के लिए कोंटे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। यूरोप में इटली सबसे पहले संक्रमण की भयावहता का शिकार हुआ था। आखिरकार चौतरफा विरोध झेल रहे प्रधानमंत्री कोंटे को पद छोड़ना पड़ा। फिर 13 मार्च 2021 को एक अपडेट आता है जॉर्डन से। इस दिन यहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। राजधानी अम्मान के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हुई और 6 मरीजों की मौत हो गई। ये सभी कोरोना से संक्रमित थे। नाराज जनता ने विद्रोह और विरोध शुरू किया। तब प्रधानमंत्री ने घटना की जांच के आदेश दिए और उसी रोज हेल्थ मिनिस्टर नादिर ओबेदात को पद से हटा दिया गया। इस घटना से 2 हफ्ते पहले की बात है। जॉर्डन के आंतरिक मामलों के मंत्री और न्याय मंत्री एक रेस्टोरेंट में डिनर करते पकड़े गए। वहां कुल 9 लोग थे। कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक 6 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी थी। रिपोर्ट बाहर आई तो इस पर भी बवाल मचा। कहा गया कि सरकारी नियम क्या सिर्फ आम लोगों के लिए हैं, और आलोचना के चलते इन मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा था। अब चलते हैं पराग्वे। मार्च 2021 के शुरुआती दिनों में यहां खूब विरोध प्रदर्शन हुए। कोरोना में सरकार की नाकामी से नाराज लोगों ने हिंसा की। वो राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने करोड़ों का घोटाला किया लेकिन लोगों को कोरोना से नहीं बचाया। इसके चलते 6 मार्च को राष्ट्रपति ने पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देने का आदेश दिया और मंत्रालय में नए लोगों को बिठाया गया। इन सबसे इतर जो बेदखली सबसे अहम रही वो हुई स्लोवाकिया में। यहाँ प्रधानमंत्री समेत पूरी कैबिनेट को पद छोड़ना पड़ा। और वजह क्या? महामारी से निपटने में नाकामी और रूस के साथ वैक्सीन के लिए की गई सीक्रेट डील। यहाँ के प्रधानमंत्री थे इगोर मेटोविच। उन्होंने स्पुतनिक 5 वैक्सीन की 20 लाख खुराकों की डील की गठबंधन के सहयोगियों को बताए बिना। इगोर का मत था कि इससे देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज होगी। स्लोवाकिया में कई पार्टी रूस की वैक्सीन को हाइब्रिड वॉर टूल बताकर खारिज कर रही है। जब इस सीक्रेट डील का खुलासा हुआ तो सरकार का विरोध शुरू हुआ और इस राजनीतिक संकट को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। जब सरकारें अपनी नाकामी को झूठे प्रचार से ढकने की कोशिश करती हैं, जब उनका घमंड जनता के हित पर भारी पड़ता है, जब सत्ता में बैठे लोग इंसान को आंकड़ों में तब्दील करते हैं और आंकड़े भी ठीक से दर्ज नहीं करते हैं, तब यही होता है। तब इर्तिजा निषाद का ये मशहूर शेर भी याद आता है। कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये था आज की दुनियादारी में बड़ी खबर का सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी WHO से जुड़ी है। 27 अप्रैल को भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 लाख के पार पहुंची। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के लगभग 3,60,000 मामले दर्ज किए गए। लगातार 6वें दिन संक्रमण की संख्या भी 3 लाख के पार रही। इस पर WHO ने कहा कि भारत में आई कोरोना सुनामी की 3 मुख्य वजह हैं। क्या? लाखों लोगों का एक साथ इकट्ठा होना, कोरोना वायरस के नए वेरियंट और वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार। WHO के प्रवक्ता तारिक जेसारेविच ने कहा कि सूचना के अभाव में लोग परेशान हो रहे हैं। सुझाव दिया कि गांव के स्तर पर सेफ होम केयर के बारे में बताना जरूरी है, इससे अस्पतालों पर बढ़ रहा दबाव कम होगा। इससे पहले WHO के डायरेक्टर जनरल ने भारत की स्थिति को हृदय विदारक बताया और सहायता का भरोसा दिया। WHO भारत को 4,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत कई अन्य जरूरी उपकरणों की मदद भेज रहा है। दूसरी सुर्खी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 से जुड़ी है। ब्राजील ने इस वैक्सीन को मंजूरी देने से मना कर दिया है। यहाँ की हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी है एनविसा। बोर्ड के 5 सदस्यों ने एक मत से कहा स्पुतनिक 5 नहीं चाहिए। एजेंसी के मुताबिक उनकी जांच में ये वैक्सीन मानकों पर खरी नहीं उतरी। ये भी कहा कि ट्रायल के आंकड़े स्पष्ट नहीं है। वैक्सीन निर्माताओं ने इसके जवाब में आरोप लगाया कि ये फैसला राजनीति से प्रेरित है। ब्राजील कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में 3रे नंबर पर है। दूसरी लहर में कई राज्य परेशान हैं। राज्यों के गवर्नर वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल ब्राजील में एस्ट्राजेनेका, कोरोनावैक, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिली है, लेकिन आयात में देरी की वजह से वैक्सीनेशन धीमा चल रहा है। ब्राजील ने रूस से कुल 4 करोड़ खुराक की डील की थी। स्पुतनिक 5 को 60 देशों में अप्रूवल मिल चुका है। भारत भी इनमें से एक है और इस वैक्सीन की भारत में पहली खेप 1 मई को पहुंच रही है।
तीसरी सुर्खी अमेरिका से, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC ने कोरोना गाइडलाइंस में ढील दी है। नए नियमों के मुताबिक जो भी लोग वैक्सीन की तय खुराक लगा चुके हैं उन्हें बाहर निकलने पर अब शायद मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। पूर्ण रूप से वैक्सीनेट हो चुके लोगों को मास्क पहने बिना पिकनिक मनाने, रेस्तरां में खाना खाने की इजाजत भी होगी। इस कैटेगरी में किन्हें रखा जाएगा? वैसे लोग जिन्हें 2 हफ्ते पहले मॉडर्ना या फाइजर वैक्सीन की दोनों खुराक या जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की सिंगल खुराक लग चुकी हो। हालांकि भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाए रखने की सलाह दी गई है। नॉर्मल स्थिति में लौटने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 4 जुलाई 2021 की डेडलाइन तय की है। इस तारीख को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बाइडेन ने कहा कि उस दिन तक अमेरिका को वायरस से भी आजादी मिल जाएगी। आज एक और सुर्खी है, चौथी और अंतिम, श्रीलंका से। यहां पर कैबिनेट ने सार्वजनिक जगहों पर नकाब और बुर्का पहनने पर रोक लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये प्रस्ताव श्रीलंका के पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर सरत वीरासेकरा ने पेश किया। कहा कि बुर्का और नकाब धार्मिक कट्टरता का प्रतीक हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। ये प्रस्ताव अब अटॉर्नी जनरल के पास भेजा जाएगा और जरूरी सुधार के बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा। वहां से पास होते ही ये कानून बन जाएगा। सरकार के पास संसद में पर्याप्त बहुमत है। इससे पहले यूनाइटेड नेशंस और पाकिस्तान ने श्रीलंका सरकार के फैसले का विरोध किया था। पाकिस्तान ने कहा कि इससे मुस्लिमों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। इस पूरे फैसले का कंटेक्स्ट क्या है? अप्रैल 2019 में श्रीलंका में ईस्टर संडे के दिन 6 बम धमाके हुए थे जिसमें 260 लोग मारे गए थे। इन हमलों का आरोप 2 कट्टरवादी मुस्लिम संगठनों पर लगा था और तब श्रीलंका की सरकार ने अस्थायी तौर पर बुरके पर बैन लगाया था। अब इसे कानून बनाकर स्थायी किया जा रहा है। आज की दुनियादारी में इतना ही। उम्मीद है कि कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाइए, ठीक से लगाइए, ये बहुत ज़रूरी है। शुभ रात्रि।